स्पेशल चीज है यहाँ पे मिर्ची। लोग बोलते हैं कि आप वो कम दे दीजिए बट इसको ज्यादा दीजिए, इसका डिमांड ज्यादा रहता है इनसे। बेसिकली यहाँ पे जो लोग हैं वो चिली खाना पसंद बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब ये लोग बोलते हैं कि हम लोग घर में ट्राई करते हैं लेकिन ऐसा बन नहीं पाता। रीजन कुछ भी नहीं है, वो एक टेस्ट होता है ना, जिस जगह पे जो खाए उसी जगह का टेस्ट ज्यादा समझ में आता है। इसमें नहीं आए वो बड़ा वाला मिर्ची 15 कचौड़ी तो उसमें कैसे बनने लग गया। आप 200 ग्राम ये नमस्ते भैया, कैसे भैया? तो भैया आपका जो दुकान है इसका जो पॉपुलैरिटी वो क्या चीज़ में है वो बता दीजिए, कितना साल पुराना दुकान है वो बता दीजिए, लोकेशन और टाइमिंग बता दीजिए। ये दुकान 70 इयर्स पुराना है। अच्छा। और दादाजी के टाइम का दुकान है। अच्छा। एंड ये जो है हाजरा मोड़ लोकेशन पे स्थित है अभी राइट नाउ। और बेसिकली यहाँ पे जो आइटम्स आप देख रहे हैं वो सभी अपने आप में एक अलग क्वालिटी है उसका, हर एक का डिमांड रहता है, कोई स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। हाँ अगर ज़्यादा स्पेसिफिक की बात करें तो ये जो छोटा वाला पकौड़ी है वो अभी आपने गरम गरम उतरते हुए देखा है, इसका थोड़ा ज़्यादा क्रेज रहता है यहाँ पे। अच्छा। बिकॉज ये जो आप ये गरम सर्कल देख रहे हैं, सर्कल में 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर इधर, ये ऐसा आइटम कहीं पे भी खाने को आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। तो बेसिकली प्यार है लोगों का अभी भी, वो के वो जो टेस्ट है वो रिमेन किए हुए हैं, तो इट्स गुड। कोलकाता का ऑथेंटिक पकौड़ा पर भजिया खाना है तो आपके दुकान पे आना तो लगता है एकदम मस्ट है। आपको कितना पुराना बताया? 70 साल पुराना। 70 है सर। कौन सा जनरेशन चल रहा है ये वाला?
मेरा थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन मतलब बहुत ही पुराना दुकान है और बहुत ही लोग पसंद करते हैं यहाँ पे ये चीज़ खाना। ठीक है भैया, तो आपका दुकान का एक बार लोकेशन और टाइमिंग और नाम बता दीजिए। हाजरा मोड़। अच्छा। और टाइमिंग फ्रॉम 6 o'clock। अच्छा। एंड नाइट में 9:30 तक लास्ट। अच्छा, क्या क्या थोड़ा ब्रीफ बता दीजिए कि क्या क्या मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये है मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड चनाचूर। अच्छा। और ये है पापड़ी, स्पेशली जो बनता है वो बेसन से बनता है। और ये है कोचू भाजा, एक्चुअली बेसिकली इट्स लाइक टेस्ट लाइक आलू चिप्स, पर इसको कोचू चीज के नाम में कहते हैं यहाँ पे। अच्छा। और बाकी ये यहाँ पे इसको जो जनरली भाषा, यहाँ की आम भाषा में इसको चूड़ी भाजा बोलते हैं। अच्छा। ये काठी भाजा है, ये दही का सारा सेफ लग रहा है मुझे देखिए। एग्जैक्टली, छोटा से बड़ा से। हाँ। और ये जो है वो खास्ता कचौड़ी है। अच्छा। पकौड़ी है और ये आलू मंडल। लोग इसको स्वीट्स भी है, क्या नाम है, ड्राई फ्रूट से कम्प्लीटली। अच्छा। स्पेशली इसमें जो ड्राई स्वीट्स है उसमें रहता है दिलखुश, जिसको हम लोग मैसूर पाक बोलते हैं, बट यहाँ पे दिलखुश नाम से ज़्यादा जाना जाता है। एक मूंग का लड्डू है, एक मूंग का बर्फी है, और गाजा बालूशाही जो यहाँ का फेवरेट डिश है। अच्छा। सारा कुछ यहीं पे बनता है, ऑब्वियसली एकदम फ्रेश यहीं पे बनता है। सुबह 6 बजे से बनना स्टार्ट होता है, सुबह 6 बजे से बिकना स्टार्ट हो जाता है, बिकना स्टार्ट होता है, उससे पहले बनता है, उससे पहले बनना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है। 4:30 से क्या नाम है बनना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। लास्ट 9:30 हो शॉप क्लोज हो जाता है। क्या नाम है शॉप का यहाँ पे? श्री संतोषी स्वीट्स एंड स्नैक्स। अच्छा, ठीक है। आपका नाम बता दीजिए। शुभ नाम? कुलदीप व्यास। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच टाइम देने। थैंक यू। कचौड़ी दू, ये भी खा के देखिए आप। ये स्पेशल चीज़ है यहाँ पे, मिर्ची। लोग बोलते हैं कि आप वो कम दे दीजिए, बट इसको ज़्यादा दे दीजिए। इसका डिमांड ज़्यादा रहता है इनसे। मसाले वाला रहता है ये, एक्चुअली फ्राइड, क्या नाम है, इसको फ्राई करते हैं। अच्छा। और क्या नाम है, तेल के अंदर। और बेसिकली यहाँ पे जो लोग हैं वो चिली खाना पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन फ्राइड चिली यहाँ का स्पेशली मेरी दुकान से बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। मतलब ये लोग बोलते हैं कि हम लोग घर में ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसा बन नहीं पाता। क्या रीज़न है? मैंने कहा तो रीज़न कुछ भी नहीं है, वो एक टेस्ट होता है ना, जिस जगह पे जो खाए उसी जगह का टेस्ट ज़रा समझ में आता है। वो वाला टेस्ट करते हैं इसका। हाँ, चल।